समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र CRC गोरखपुर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन कार्यरत केंद्र है। CRC गोरखपुर प्रांगण के नव निर्मित रैंप का उद्घाटन सोमवार को CDO अनुज कुमार सिंह के करकनों द्वारा किया गया। इस अवसर पर CRC गोरखपुर तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में CRC गोरखपुर के प्रांगण में एक सहायक उपकरण वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत CDO अनुज कुमार सिंह जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी तथा निदेशक CRC गोरखपुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। सहायक उपकरण वितरण में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए 53 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल तथा शिक्षण अधिगम सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित दिव्यांगजनों उनके अभिभावकों तथा अन्य लोगों को संबोधित करते हुए CDO ने कहा कि जिला प्रशासन गोरखपुर CRC के साथ मिलकर दिव्यांगजन कल्याण के लिए हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। CRC गोरखपुर के निदेशक रमेश कुमार यादव ने बताया कि CRC ने विगत 6 महीनों में दिव्यांगजन ताजा गुप्ता तथा पुनर्वास के 60 से ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं तथा आने वाले दिनों में पूरे पूर्वांचल में दिव्यांगजनों हेतु अनेक कार्यक्रम करने की योजना है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए CRC गोरखपुर के निदेशक रमेश कुमार पांडे ने कहा, अभिभावकों से मिलती है और उनके साथ भी हजारों के साथ लगे रहते हैं। जब से CRC सीतापुर अस्पताल में चलना शुरू हुआ तब से हम लोग काफ़ी इससे जुड़ गए हैं और प्रशासनिक ही नहीं यहाँ के प्रशासन का सबका ये प्रयास है कि जितने भी दिव्यांगजन भाई बंधु हैं वो सारे मुख्य धारा से जुड़ जाएं। के श्री रमेश कुमार पांडे जी, दिव्यांगजन अधिकारी श्रीमती मीनू जी और यहाँ पे आए हुए हमारे प्यारे बच्चे और उनके अभिभावक, आप सभी का मैं आज के दिन इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। अभी आज मेरा ये पहला यहाँ पे विजिट है और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे CRC की जो एक टीम लगी हुई है बहुत ही डेडिकेटेड रूप से और बहुत ही एक सुंदर काम कर रही है और संभवतः पूरे प्रदेश की सबसे अव्वल CRC आज के दिन से है। बहुत ही हर्ष का और खुशी का विषय है और इसके लिए मेरे ख्याल से जितना श्रेय हम अपने डायरेक्टर साहब को और दिव्यांगजन अधिकारी मैडम को देते हैं, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा श्रेय हम अपने जिलाधिकारी महोदय को भी देते हैं, क्योंकि जितना इंटरेस्ट जिलाधिकारी महोदय ने इस कार्य में लिया है शायद ही प्रदेश में कोई अन्य जिलाधिकारी इस कार्य में इतना इंटरेस्ट लेते हैं और इतना सहयोग देते हैं। तो हम सब उनके भी ऋणी हैं कि उनकी वजह से आज हम एक ऐसे CRC को देख रहे हैं जिसके काम की चर्चा अब अन्य शहरों में भी हो रही है, लखनऊ तक हो रही है। तो इसके लिए CRC की टीम को बहुत बहुत बधाई और मैं आप लोगों से ये आशा करूँगा कि आप भविष्य में भी यही अच्छा काम करते रहेंगे और खुद को इतना ही मोटिवेटेड रखेंगे। यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पे हमारे सभी बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी आए हुए हैं। यहाँ पे सभी जो अभिभावक हैं उनसे बस मेरा यही आग्रह है कि जो आपके बच्चे हैं, कभी कभी आपके बच्चे आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे हैं या मतलब उनकी जो ध्यान देने का जो समय है वो बहुत कम है, उनका मन बहुत ज़्यादा इधर उधर चला जाता है, थोड़ा सा उनका बिहेवियर आपको लगता है कि अन्य बच्चों की बात ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो अन्य बच्चों से कम है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो अन्य बच्चों से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं उनका जो दिमाग होता है बाकी बच्चों से ज़्यादा तेज़ काम करता है और कभी कभी जब ये दिमाग जब बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है तो वो सूचनाएँ इतनी जल्दी जल्दी अपने अंदर समाता है कि बच्चे का बिहेवियर बाकी बच्चों से थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन अगर उनको जो एक्सपर्ट्स हमारे CRC में हैं अगर उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो आपका बच्चा आगे जाके बाकी बच्चों से कहीं आगे निकलेगा। बहुत सारे ऐसे तेज़ वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं जिनको बचपन में बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि आपके बच्चे हैं और आगे जाके बहुत ही नामचीन वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो गार्जियन होते हैं अभिभावक होते हैं उनका बड़ा रोल होता है। एकदम से अपने बच्चों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उन पर थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, बाकी बच्चों से थोड़ा अधिक समय देना पड़ेगा और थोड़ी अधिक आपको उनमें रुचि लेनी पड़ेगी कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है।
और उनके हर जो वो करते हैं घर में उसको एक गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि बच्चा आपका आगे बढ़ के बहुत अच्छा भी कर सकता है। और उसी के लिए, उसी प्रयोजन से यहाँ पे सीआरसी का गठन किया गया है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे सीआरसी में आ रहा है तो उसे बीच में लाना बंद ना करें। उसका अगर कोई यहाँ पे कोई, अब मैं उसे इलाज तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो इलाज नहीं होता, वो एक तरीके से एक ये कहेंगे कि इंटरवेंशन होता है, एक उस बच्चे को काबिल बनाने की तरफ एक प्रयास होता है जो यहाँ पे चल रहा है। जब तक वो पूरी तरह से पूर्ण ना हो जाए तब तक अपने बच्चे को यहाँ पे लाते रहे। और यहाँ पे बीच बीच में आके आप हमारे डायरेक्टर साहब और डॉक्टर साहब लोग हैं, इन लोगों से पूछा भी करें कि घर में आपका और अन्य परिवार वालों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए बच्चे के प्रति, वो भी बहुत मायने रखता है। सिर्फ यहाँ पे 3-4 घंटे से नहीं होगा, घर में भी उसका एक तरीके का आपको व्यवहार दिखाना पड़ेगा जिससे कि बच्चा उसको अपने अंदर उसको समाहित करे और आगे जाके सक्सेसफुल बने। मैं सीआरसी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस तरीके की कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी आप अभिभावकों को भी बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए उसकी एक अच्छी ट्रेनिंग दें जिससे कि ये बच्चे आगे। सेंटर के बारे में जितनी भी सेवाएं यहां से प्रदान की जा रही हैं उनके बारे में पब्लिसिटी के लिए, वाइडर पब्लिसिटी के लिए पोस्टर आप बनाएं बड़ा स्तर पे, और वो पोस्टर हर एक सीएचसी पीएनसी के ऊपर, विद्यालयों के ऊपर, आंगनबाड़ी के ऊपर, वो सब जगह लगना है। इसमें रेफर ये 5 बच्चों को यहाँ पे सिंबॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, बाकी सारे बच्चों को जिसको हम लोगों ने बुलाया है सभी लोगों को किया जा रहा है। विष्णु गौड़, हीरालाल यादव जी, आवाज आ रही है, अजय प्रताप जी, गौड़, हीरालाल यादव, अजय प्रताप गौड़, आजाद, सोनू गिरी, राम आशीष, ये बगल वाले हॉल में हमारे साथ चले से ये गोरखपुर जिला प्रशासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गोरखपुर और समेकी क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज दस्तक कार्यक्रम के अंत में एक अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दिव्यांगजनों के लिए उपकरण वितरण कार्यक्रम रखा गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय थे, उनके सौजन्य से ही सीआरसी कैंपस में एक रैंप बना है, उसका उद्घाटन करना था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो रैंप का उद्घाटन, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीडीओ साहब थे, उन्होंने रैंप का उद्घाटन किया तथा अब जो अभिभावक और दिव्यांगजन आए हैं उनको संबोधित भी किया। आज हम लोगों ने लगभग 70 उपकरण यहाँ वितरित किए हैं जो हमें जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी से प्राप्त हुए हैं, उनके कार्यालय से प्राप्त हुए हैं। उसमें लगभग 10 ट्राईसाइकिल हैं, 5 व्हीलचेयर हैं, लगभग 50 श्रवण यंत्र हैं, और मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए लगभग 3 TLM किट हैं, वो हम लोगों ने वितरित कर दिए हैं। उनके अभिभावकों को हम आज प्रशिक्षण देंगे कि किस तरीके से उन उपकरणों का रखरखाव किया जाए, उसकी देखरेख की जाए, और इन दिव्यांग बच्चों को सेंटर के बाहर यानी घर में, समाज में उनका, उनके साथ किस तरह डील किया जाए, इसके ऊपर एक छोटा सा प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
और इस कार्यक्रम के माध्यम से समेकित क्षेत्रीय केंद्र की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए मैं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गोरखपुर प्रशासन CDO साहब और DM साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से इतना शानदार कार्यक्रम दस्तक अभियान के अंतर्गत सफल हुआ।